हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग CGPSC मेंस को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निबंध पर चर्चा करेंगे, भारत में ई शिक्षा चुनौती एवं संभावनाएं। इसको देखेंगे, समझेंगे और किस प्रकार लिखे इसको भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा भूमिका बांधना पड़ता है सबसे शुरुआत में, तो हम भूमिका बांधने की कोशिश करेंगे। तो आज पूरा विश्व एक अदृश्य विषाणु के प्रकोप से त्रस्त है, मानवता त्राही त्राही कर रही है। कोरोना के द्वितीय लहर के प्रकोप से सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 3 लाख से अधिक लोग काल के ग्रास बन चुके हैं और तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, जिससे में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होने की संभावना है। यदि भी हम जानते हैं 3 लाख से कहीं अधिक लोग मारे गए हैं, फिर भी हमको जो आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। 2020 की शुरुआत में COVID-19 के प्रसार के डर से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को अचानक बंद कर देना पड़ा। वार्षिक परीक्षाएं कहीं पर भी पूर्ण नहीं करवाई जा सकी। पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, परीक्षा आयोजित करवाना अभी निकट भविष्य में संभव नहीं दिखता है। बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता चला जा रहा है। ऐसी अवस्था में ऑनलाइन शिक्षा ही बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। स्कूलों और कॉलेजों ने भी कोरोना से उत्पन्न समस्या को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को अपना लिया है। परंतु भारत जैसे देश में जहाँ 76% ग्रामीण क्षेत्र है और जहाँ इंटरनेट का अभाव है, ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती बनकर उभरा है। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पर लगभग 23% शहरीकरण हुआ पर है, नगरीकरण बोल दीजिए 70% से अधिक तो ग्रामीण वास करते हैं और छत्तीसगढ़ में तो 80% गांव हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। ना तो टीवी है और ना तो मोबाइल भी है, जो अब जो स्मार्टफोन बहुत लोगों के पहुंच से बाहर है। इस शिक्षा का तात्पर्य की बात किया जाए तो इस शिक्षा का तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। इस शिक्षा के विभिन्न रूप है, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग या वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल है। अब भारत में इस शिक्षा के बारे में बात करूँ, भारत में इस शिक्षा के बारे में देखूँ तो भारत एक अल्प विकसित विकासशील देश है, जिसका शिक्षा आधारित अधोसंरचना का विकास अल्प अवस्था में हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ई शिक्षा के विकास में ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में इस शिक्षा का विकास बड़े संस्थानों, निजी स्कूलों, कॉलेजों तक ही सीमित रह गया तथा इस शिक्षा प्रणाली भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी पाठशाला तक नहीं पहुंच सकी है। भारत में 60.53% कॉलेज ग्रामीण अंचलों और दूर दराज के इलाके में स्थित है, जहां पर इंफॉर्मेशन तकनीक का ढांचागत कमियां पहले से विद्यमान है, जैसे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इत्यादि। लोगों को कम तकनीकी ज्ञान, संचार साधनों, इंटरनेट कंप्यूटर का भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच पाना भी भारत में इस शिक्षा के शैश्व अवस्था में नजर आने का कारण है। बिल्कुल सही है, जितने निजी स्कूल है, निजी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर तो बाकायदा ध्यान दिया गया, वहाँ पर उनका खुद का पर्सनल है तो वो खुद विकास कर लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लिया जाए, जो 60.53% के आसपास कॉलेज है और स्कूल है, ग्राम है, जहाँ पर बात किया जाए दूर दराज में स्थित है, वहाँ पर इस इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है और जानकारी का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। भारत में इस शिक्षा की संभावनाएं पर अगर हम लोग ध्यान दें तो भारत विश्व का सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पिछले कुछ दशकों में संचार तकनीकी ने भी अभूतपूर्व तरक्की की है। भारत सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिजिटल इंडिया, भारत नेट, स्वयं शिक्षा पोर्टल, डिजिटल लाइब्रेरी, ई पाठशाला जैसे अभिनव प्रयास हुए हैं, जिसमें देश में ई शिक्षा की संभावनाओं को बल मिल रहा है। सरकार के समुचित प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश के दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल संचार को बढ़ावा मिला है तथा भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में 900 मिलियन लोगों को पहुंच इंटरनेट तक हो जाएगी। इसके लिए भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख ग्रामों को उच्च क्षमता वाले इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुगम पहुंच हो सके, इसका लाभ ग्रामीण विकास के साथ ही ई शिक्षा के क्षेत्रों में भी होगा। सरकारी प्रयास के परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों व पिछड़े क्षेत्रों में आधुनिक ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं तथा प्राथमिक शाला स्तर में छात्रों को कंप्यूटर मोबाइल शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4.06 करोड़ छात्रों, देश की कुल छात्र संख्या का लगभग 40% को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने की भी योजना बनाई है तथा इस कार्य के लिए कुल 60,900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली योजना भारत नेट 2011 से चल रही है। तो इस प्रकार भारत देखा जाए तो नेट सुविधा देने के लिए, ई शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतिबद्ध है, वो प्रयास किए जा रहा है भारत का। अगर देखा जाए तो भारत तरफ से अपने प्रयास बिल्कुल आगे बढ़ी हुई है। अगर भारत के सामने चुनौतियां, फिर भी देखें भारत के सामने क्या चुनौतियां सामने हैं, तो हालांकि देश के शिक्षा जगत में समस्या का अवसर बदलने के लिए भरसक प्रयास किया है, परंतु यह नाकाफी नजर आ रहा है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा के सामने बहुत सारी चुनौतियां मुंह बाय खड़ी है, जैसे लगभग 3.1 लाख सरकारी स्कूल जिनके पास सूचना और संचार तकनीकी सुविधाएं नहीं है, लगभग 3.1 लाख सरकारी स्कूल जिनके पास क्या है, न सूचना है न ही संचार तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध है। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार देश में केवल 24% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। इनमें से 42% शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 15% घरों में इंटरनेट सुविधा है। वहीं देश के केवल 11% घरों में अपने केवल कंप्यूटर है। आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेट की जो सुविधा बता रहा, केवल 24% बताया जा रहा है। इसका मतलब 76% हमारे यहाँ पर जो लोग हैं इंटरनेट से कोई वास्ता ही नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात कर दिया जाए तो मात्र 11% के घरों में कंप्यूटर है। एक सर्वे और हम लोग देखते हैं जो IAMAI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय लगभग 50 करोड़ इंटरनेट यूजर की है और केवल 30% भारतीय आबादी के पास स्मार्टफोन है। अगर हम देखें इनका आंकड़ा अगर देखें तो 50 करोड़ इंटरनेट यूजर, इसका मतलब 140 करोड़ भारत देश की आबादी अभी वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास होती जा रही है। 140 करोड़ में 50 करोड़ केवल यहाँ पर है, लगभग भी 24% 25-30% के आसपास बैठता है। COVID-19 महामारी से पूर्व भारतीयों के अधिकांश शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाइन शिक्षा कोई विशेष अनुभव नहीं रहा है। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी व्यवस्था को ऑनलाइन शिक्षा के अनुरूप ढालना और छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी 2 साल हुआ 2019 की बात, 19-20 से हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करें, इससे पहले आदि नहीं थे भारत के। अगर यहाँ पर बोला जाए एक बहुत बड़ी समस्या होगी अपने आप को बदलना। वर्तमान समय में भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। देश में अब भी उन छात्रों की संख्या काफ़ी सीमित है जिनके पास लैपटॉप या टैबलेट कंप्यूटर जैसे सुविधा उपलब्ध है, अतः ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को चुनना एक बड़ी समस्या है। देश में अभी भी बहुत ज़्यादा भुखमरी हो रही है, अभी भी हमारे यहाँ पर निर्धनता चरम पर है, और ऐसे में लोगों को मैं बोलूँगा महंगे महंगे सामान खरीदीजिए, महंगा मोबाइल कीजिए, स्मार्टफोन कीजिए। बच्चे लोगों को अगर इंटरनेट देखना है कैसे संभव है, जो अभिभावक फीस नहीं पटा पा रहे, जो अभिभावक फीस नहीं पटा पा रहे, महंगे इस प्रकार उपकरण कहां से खरीदेंगे। देश के अधिकांश शिक्षक तकनीकी रूप से इतने प्रशिक्षित नहीं है कि औसतन 30 बच्चों को एक ऑनलाइन कक्षा आयोजित कर सके। तकनीकी की समस्या फेल होना, जैसे इंटरनेट की स्पीड, कनेक्टिविटी की समस्या, ऑनलाइन सिस्टम की क्षमता, सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक उपकरण, ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण आदि कमी शामिल है। गाँव में तो अभी भी एक सप्ताह तक भी लाइट गोल रहता है यहाँ पर चीज़ों में, और यहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं है कि लगातार वो देख सके। ऑनलाइन शिक्षण की समानता रेगुलर कक्षाओं की तरह नहीं चलाया जा सकता। ज्यादा देर तक ऑनलाइन कक्षा मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए घातक है, छोटे बच्चों के लिए भी यह नुकसानदायक है। अभिभावक शिकायत करते हैं कि ज्यादा मोबाइल देखने के कारण ऑनलाइन शिक्षा उनके आंखों में प्रॉब्लम आ रहा है। तकनीकी की बहुत ज्यादा उपयोग अवसाद, दुश्चिंता, अकेलापन आदि की समस्या भी पैदा करता है। परीक्षाओं और तकनीकी विषयों को प्रयोगात्मक परीक्षाएं आदि को ऑनलाइन कराने का सवाल अभी भी जस के तस खड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि विज्ञान के छात्रों को पढ़ाना जो लैब में संभव है प्रैक्टिकल, वो ऑनलाइन कैसे मैं करवाऊँ, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ावा की भारत की प्रबल संभावना है, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। अब तक चुनौतियों का बेहतर आकलन नहीं किया जाएगा तब तक अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन समस्याओं से बचने के लिए प्रभावी चिंतन की आवश्यकता है जिससे इनमें देश का भविष्य को बचाया जा सके। तो आपका सुझाव क्या हो सकता है? तो पहला सुझाव है टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश के दूरस्थ भागों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी 67% टेलीविजन
टेलीविजन हर घर में उपस्थित है, मैंने टेलीविजन के माध्यम से आप इसका प्रसार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक अड़चन आती है, क्योंकि पूरे देश में विषय वस्तु का जो पढ़ाने का जो विषय वस्तु है वो समान नहीं है, इसमें अड़चन पैदा हो सकती है। सरकार द्वारा ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से ही डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल माने क्लास वन से केजी वन से ही स्टार्ट कर दिया जाए क्या कंप्यूटर की शिक्षा देना, ताकि वो आदत बन जाए, क्योंकि आने वाले समय में हमको नहीं मालूम ये कोरोना कब तक खत्म होगा और ऑनलाइन शिक्षा का बहुत अहमियत महत्वपूर्ण स्थान रोल निभाएगा। स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर मल्टीमीडिया इंटरनेट आधारित शिक्षा के व्यवहार में लाए जाने की जरूरत है। देश के स्कूलों व कॉलेजों को इंटरनेट व वाईफाई जैसे सुविधाएं सस्ते दरों पर सुगमता से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और हमारे अनुसार बोला जाए तो फ्री में ही उपलब्ध विद्यार्थियों को तो फ्री में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देश के स्कूलों महाविद्यालय को डिजिटल शिक्षा के अनुरूप अधोसंरचना विकसित करने में सहयोग प्रदान करना होगा। पिछड़े राज्यों व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली इंटरनेट की आधारित सप्लाई सुनिश्चित करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता उपकरण अन्य संसाधनों जैसे मोबाइल कंप्यूटर सस्ती इंटरनेट उपलब्धता सुनिश्चित करना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर सुरक्षा के उपाय किए जाने की भी आवश्यकता है। इसके बाद आपका छोटा सा एक निष्कर्ष बनता है, निष्कर्ष आप लिखेंगे, इन तमाम पहलुओं पर नज़र डालने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत जैसे बड़े विकासशील और विविधता वाले देश में इस शिक्षा प्रणाली को हर छात्र तक पहुँच पाना अव्यवहारिक लगता है, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति सरकारी प्रयास व जन सहयोग से इस शिक्षा प्रणाली को भारत में सुव्यवस्थित रूप से स्थापित किया जा सकता है। भारत यदि 21वीं शताब्दी में अपने विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करना चाहता है तो उसे इस शिक्षा प्रणाली को अपनाकर व सरल सहज व सुगम बनाकर हर घर व्यक्ति को उपलब्ध कराना होगा, जो कि भारत के लिए वरदान होगा। अच्छी शिक्षा पाकर देश के युवा देश में व्याप्त गरीबी बेरोजगारी अशिक्षा को दूर कर पाएंगे, बल्कि देश की तरक्की में समृद्धि व महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। इति सिद्धम, इस प्रकार आपको निबंध को लिखना है। हाँ, अगर आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट बता दिया, आपकी इच्छा पर है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो केवल 5 रुपीज आपको क्रय करने होंगे इस पीडीएफ के लिए। आपको केवल मेरे मोबाइल नंबर 9907910448 में गूगल पे के द्वारा पे करने होंगे और अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे भेजना होगा और आपको हेडिंग भी लिखना होगा कि आप किसका पीडीएफ चाहते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।